हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि आर्ट्स एंड वाल से चैप्टर 6 का है। ठीक है, बहुत बच्चे का कमेंट भी आ रहा है कि मैम क्लास 7 का डाली। तो मैं बहुत सोचते हुए गई कि ओके आई कैन डू दिस। तो आज चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं वीडियो आज बना रही हूँ। ठीक है, देखिए क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत YouTube वाले भाई जो हमारे सब्सक्राइबर है या जो हमारे वीडियो देखते हैं, उन लोगों का बहुत है कि क्लास 7 का पढ़ाइए, क्लास 7 का। तो हम के ओके। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग जरूर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे शॉर्टली, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना है। उसके बाद और सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें हम लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लें कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, ए सिंबॉलिक हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं, आज का डेट कितना है? 17/1/2023। गुड। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मैं वो भी नोट करवा देती हूँ। देखिए, एक तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है कांस्टेंट और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है वेरिएबल। यही हम लोगों को इसमें ज्यादा इसमें फोकस करना है। तो कांस्टेंट किसको कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू। ठीक है, अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। इसका एग्जाम्पल्स भी देंगे, पहले वेरिएबल का भी लिख लीजिए। अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल जान लेंगे कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को लिखा हुआ है, सपोज डेट अगर आप लोगों को लिखा हुआ होता है 2x, लिखा होता है क्या 2x। ठीक है, 2x या 4x या कुछ भी 7z या 8s, ऐसे करके कुछ भी लिखा होता है। तो अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है क्या है, कॉन्स्टेंट में आ जाते हैं। ए सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, मैथ में जो इंग्लिश का जितना भी अल्फाबेट होता है ना, वो वेरिएबल हो जाता है। मैथ में इंग्लिश का सारा अल्फाबेट क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। और 1-2 क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। 1 जो इनफाइनाइट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि मैथ में इंग्लिश जब अपना जगह बनाता है तो वैल्यू बढ़ जाता है उसका, है ना। हाँ, तो यहीं पे ये x क्या है, अल्फाबेट ही है ना, वेरिएबल। x अल्फाबेट ही है ना, ये x अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, है? ये सब इंग्लिश से ही आया ना, एबीसीडी से आया, तो ये अल्फाबेट है। ओके, तो ये जो इंग्लिश का जो लेटर आपको जहां भी दिखेगा
वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या हुआ, वेरिएबल है ना। और जितना भी न्यूमरिकल्स आता है मीन्स नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल्स में हाँ 1, 2, 3 इनफाइनाइट जो भी आप लिख दो, ये सब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें आपको पूछ दे कि 2x, तो 2x में 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है ना। 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। अगर 4x में पूछा जाए तो 4 क्या है, कॉन्स्टेंट है, और x वेरिएबल है। हाँ 7 क्या है, कॉन्स्टेंट है, z क्या है, वेरिएबल है। 8 क्या है, कॉन्स्टेंट, और s क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यस मैम। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि कुछ अब इसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है ना। वेरियस टाइप मतलब कि जैसे कि हम लोग नाउन पढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं ना, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, दैट्स लाइक। अब हम लोग इसमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये अभी बुक 5 टाइप्स का ही पढ़ रहा है, तो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या होता है, पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ये है, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, मोनोमियल्स। क्या होता है, मोनोमियल्स। हाँ मोनोमियल्स, फर्स्ट का नाम है मोनोमियल, सेकंड का नाम है बाइनोमियल। फर्स्ट का क्या नाम है, मोनोमियल, सेकंड का नाम है बाइनोमियल। ऐसा पढ़िए कि मेरा वॉइस सुनते आप लोगों को रिमेम्बर हो जाना चाहिए। फर्स्ट हो गया मोनोमियल, सेकंड हो गया बाइनोमियल, थर्ड हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल थर्ड क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, फोर्थ क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स, नहीं क्वाड्रिनोमियल्स, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स, और फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा पोलोनोमियल्स, फिफ्थ क्या हो जाएगा, पोलोनोमियल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, मोनोमियल्स, सेकंड क्या होगा, बाइनोमियल, थर्ड क्या होगा, ट्राइनोमियल, फोर्थ क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल, और फिफ्थ हो जाएगा पॉलीनोमियल्स, ठीक है। सो बस अब इस पूरे चैप्टर में अब हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है ना, इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमने कॉन्स्टेंट पढ़ा, फिर वेरिएबल पढ़ा, ओके। अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, जिसमें मोनोमियल्स आता है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स और पॉलीनोमियल्स। इससे देखिए ये बोलने की तरीके से ही आपको पता चल रहा है कि ये इसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या कर रहा है, अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हु कंटेन ओनली वन टर्म। ये कैसा बोल रहा है, ओनली वन टर्म बोल रहा है, कितना टर्म, ओनली वन टर्म, जिसमें कि एक भाग है। इसमें क्या है, ओनली वन टर्म, ओनली कितना टर्म आना चाहिए, वन टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। एग्जाम्पल्स कहने के बाद जैसे कि 5x, अगर ये यहाँ पे कॉमा हम लग, ये 5x, ये क्या हो गया, मोनोमियल, मतलब ये अकेला आया है, ठीक है ना। और जैसे दे दीजिए -2xyz, 3z, ये सब क्या हो गया बाबू, मोनोमियल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बायोमियल्स में। इसमें क्या है कि इसमें कम से कम कितना टर्म होना चाहिए, टू टर्म होना चाहिए। इसमें कितना टर्म होना चाहिए, टू टर्म होना चाहिए, इसमें टू टर्म होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको इतना एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं, शॉर्टली समझ लीजिए, बस माइंड में घुस जाना चाहिए, है ना। इसमें टू टर्म आना चाहिए। एग्जाम्पल्स में जैसे कि
डाल दीजिए 5x और क्या डालिएगा बोलिए आप लोग भी कुछ, जैसे कि 9x हाँ प्लस 9x ओके। इतना पे आके तब कॉमा दिया बाबू तो समझो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल, बाइनोमियल 5x प्लस 9x तब कॉमा देगा तो बाइनोमियल। जैसे हम लोग लिखते हैं ना a प्लस b, हाँ a प्लस b ये भी क्या हो गया बाइनोमियल हो गया ठीक है। जहां पे कि दो टर्म आए, कहा कितना टर्म आए दो टर्म आए ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल। जहां पे वन टर्म आए उसको मोनोमियल। अब हम लोग आते हैं थर्ड टर्म में, थर्ड टर्म में कब क्या है कम से कम कितना आना चाहिए थ्री टर्म आना चाहिए, कितना आना चाहिए थ्री टर्म आना चाहिए हाँ ठीक है, कम से कम थ्री टर्म आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x plus 9x plus 3x ओके ठीक है। और उसके बाद कॉमा लगाइए 5x plus 9x plus 3x उसके बाद कॉमा लगाइए तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको ट्राइनोमियल हो जाएगा। एक एग्जांपल और आप किसी का बना सकते a प्लस b प्लस c प्लस ओके नहीं यहाँ पे ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल का बात आ रहा है तो तीन ही आएगा ना ओके। अब यहाँ पे आता है क्वाड्रिलेटर का बात, ओनली फोर टर्म्स वैसा टर्म हाँ जिसमें कि फोर आता हो है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा फोर टर्म, कितना फोर टर्म आना चाहिए। नाम से ही पता चला मोनोमियल सिंगल है तो एक आना चाहिए, बायोमियल्स में दो आना चाहिए, ट्रायोमियल्स ट्राई तो एकदम सीधा खुले आम हो रहा ट्राई मतलब तीन है ना, ट्राइंगल है ना तीन, और क्वाड्रिलेटर तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख ले a प्लस b प्लस c प्लस d गुड a प्लस b प्लस c प्लस d ये क्या हो गया क्वाड्रिलेटर हो गया है ना। और लास्ट अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटर में वो टू और मोर देन हां टू और इसमें कि दो और दो से अधिक है, क्या है दो और दो से अधिक टू और मोर देन टू है ना, टू और मोर देन टू टर्म ठीक है। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल्स बता दीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स में क्या कुछ भी, इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसमें देखिए आप इसमें आइए आप डिफिनेशन पे जाइए क्या बोल रहा है टू और मोर देन टू टर्म, तो इसमें टू भी आएगा मतलब ये भी आ जाएगा नीचे ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा सिर्फ इसको छोड़कर आएगा है ना, उसमें क्योंकि उसमें ट्राइनियल्स ट्राइनियल्स मोनोमियल्स सब आ जाएगा है ना हाँ। तो ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। और सबसे पहले हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ठीक है। अब हम लोगों को इसमें एक टर्म और खास जो पढ़ना है वो है कोफिशिएंट, क्या पढ़ना है कोफिशिएंट किसको कहते हैं ये अभी हम लोग इसमें खास पढ़ना, अगर इतना अब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हम लोग के लिए क्या हो गया फिनिश्ड हो गया ठीक है, उसमें भी पूरा चैप्टर इस पे बन जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं कोफिशिएंट पे है ना yes, अब कोफिशिएंट जो हम लोगों को लास्ट टॉपिक है इसमें लास्ट टॉपिक इसको फिनिश कर देते हैं कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है ओके। कोफिशिएंट कॉफी तो सब लोग पीते हैं घर में yes, है ना सब लोग कोफिशिएंट मतलब देखिए चाय तो एक क्या है जैसे कि वाइन पीने वाले को एक नशा है कि वाइन हमको पीना है मीन्स पीना है एनी हाउ पीना है ना, तो उसी तरह हमारे जो अंग्रेज लोग थे हम लोग को एक आदि बनाकर गए हैं चाय पीने का गए ना, जिसमें कि चाय हम लोग हर हमें लगता है कि सभी के घर में सुबह सुबह चाय बनता ही होगा चाहे वो कितना अमीर से अमीर क्यों ना हो गरीब से गरीब क्यों ना हो ठीक है। और ठंड के टाइम में कॉफी बनता है चाय गरीब किया मैं नहीं बोल रही हूँ कि कॉफी बनता हो उसके बाद चाय डेफिनेटली बनता हो चाहे कितना भी वो गरीब क्यों ना हो है ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया एक लत हो गया है। तो यही है कोफिशिएंट आज हम लोग को पढ़ना है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं इसको डिफिनेशन करने से अच्छा है कि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा दें ठीक है। कोफिशिएंट बाबू वो होता है जैसे कि अगर आपको दे दिया 5x1
ठीक है, 5xy दे दिया। तो अब अगर इसका पूछे क्या कि इसमें x कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x का द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, समझ रहे हैं ना। अगर कोई मतलब कि इसका यही मतलब होता है कि जैसे y इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये y अपने में क्या है एक का वैल्यू है ना, 1 का, ये अपने आप में 1 है। मैं अगर 5 को पूछेगा तो नहीं, जब भी पूछेगा तो इसी का ही पूछेगा, ठीक है 5 का हाँ, नहीं। और x भी क्या है अपने आप में 1, ये लिए 1 के बराबर है ना, 1 के समान है, इक्वालिटी है, ठीक है। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर मतलब जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ, अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है।